राधे राधे, सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो मेरे पास रंग बिरंगी थोड़ी थोड़ी ऊन, कोई इतनी सी बची हुई है, कोई इतनी सी बची हुई है, तो थोड़ी थोड़ी सारी ऊन बची है। जैसे हम कान्हा जी की कलरफुल ड्रेस बनाते रहते हैं तो उसमें से थोड़ी थोड़ी जैसे हमारे पास ऊन बच जाती है, तो ये सब बेबी ऊन है क्योंकि मैं बेबी ऊन इस्तेमाल करती हूँ, तो सब एक जैसी ऊन है। और साथ में हमारे पास एक वाइट है, ये थोड़ा हमारा बेस कलर, ये हमारा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बाकी कलर हमारा थोड़ा थोड़ा लगेगा, इसलिए हमने ये सारी ऊन हमने सोचा कान्हा जी की ड्रेस में यूज़ हो जाए क्योंकि कान्हा जी की ही बची ऊन है। तो इसे हम क्रोशे से बनाने वाले हैं, वो भी 10 या 11 नंबर, दोनों में से जिस पर आपका हाथ ठीक चले वो क्रोशिया आप ले सकते हो। बेस कलर हमारा वाइट रहेगा, इसे हम बनाने वाले हैं 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए मैंने इसे 11 नंबर लिया है क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा लूज है, इसलिए मैं हमेशा 11 नंबर से ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से हम ऐसे चेन बनाएंगे सबसे पहले। तो हम 18 चेन लेंगे क्योंकि हम इसे 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने 18 चेन लिए इस तरीके से, और यहाँ पर 2 चेन और ले लेंगे, 1 और ये 2। यहाँ से तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे, तो इसको हम एक ही स्टिच मानेंगे, ठीक है, और उसे अगली चेन में 2 बार स्टिच लेंगे, एक चेन में से 1 और ये 2। फिर अगली चेन में जाएंगे, इसमें से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2। तो ये हमारी 18 चेन थी शुरू की, और आखिर में हम एक एक बार लेंगे। बीच की जो 16 चेन है उसमें हम 2 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे। तो देखिए हमारा 18 स्टिच थी, एक किनारे पे एक बार लिया और एक यहाँ पर लिया, बीच में जो 16 स्टिच थी वो हमने डबल कर दी है। तो 16 16 32 33 34, 34 स्टिच हमारी हो गई है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, 3 चेन लेनी है, 1 2। अगर आपको इसको नहीं गिनना तो आप 2 चेन लेंगे, जैसे मैंने अभी 2 ले ली, मैं इसे नहीं गिन रही हूँ। और इस तरीके से वापस होके फर्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे, इसको हम गिनेंगे 1 स्टिच, ठीक है, 1। अगली चेन में जाएंगे, 2 3, और जो चौथी चेन है इसमें हम 2 बार ले लेंगे, 1 और ये 2। फिर 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी 1 2 3, चौथी चेन में फिर से 3 बार लेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम सेकंड राउंड को पूरा करेंगे। तो देखते हैं कितनी स्टिच हमारी बढ़ती है। तो देखिए हमने इस तरीके से हर चौथी चेन में 2 2 बार स्टिच ले ली, और यहाँ पर लास्ट में हमारी बिल्कुल लास्ट में 2 बार स्टिच आई, और फिर एक हमारा डबल क्रोशिया है। तो टोटल हमारी 42 स्टिच हो गई है। ये देखिए कैसे 34 थी हमारी, और ये देखिए 35, यहाँ बढ़ाया 36, 37, 38, 39, 40, 41, और ये लास्ट में 42। तो 42 हमारी स्टिच हो गई है। यहाँ पर एक चेन ले चुके हैं, एक चेन और लेके अब हमने क्या करना है, हर एक में से एक एक बार हम डबल क्रोशिया लेंगे, कहीं कोई स्टिच नहीं बढ़ाएंगे। तो ये 42 स्टिच है, इनको एक एक बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने हर एक में से एक एक बार बना लिए। अब हम बाजू और फ्रंट बैक सब अलग करेंगे। तो ये हमारी 42 है, तो सीधा सा हिसाब है, 6 यहाँ रखेंगे फ्रंट में, 6 यहाँ, पीछे बैक में हम 12 रखेंगे, और 10 10 की हम बनाएंगे, सॉरी 9 9 की हम बाजू बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए पहली चेन में से हम डबल क्रोशिया ले रहे हैं, 1 2, ये हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 स्टिच हो गई हमारी। यहाँ पर यहाँ से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 10वीं चेन में डबल क्रोशिया, तो ये हमारी बाजू निकल गई है। पीछे बैक में हम 12 रखेंगे, 1 बना चुके हैं, 2 3 4 5 6 7
आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह, ठीक है। थोड़ा ये चोली का जो कमर होती है इसे खुला बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पहनाने में मुश्किल होती है। यहाँ से फिर नौ छोड़ देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और यहाँ पर हमारी छः स्टिच डबल क्रोशिए की, ठीक है। फिर से एक बार गिन लेते, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, दसवीं चेन में डबल क्रोशिया। दूसरी बाजू हो गई, एक स्टिच हो गई, दो तीन चार पांच और ये लास्ट में छः। तो देखिए इस तरीके से हमारी चोली, आपको अगर इतनी रखनी है आप इतनी रख सकते हो, जैसे तीन नंबर कान्हा जी के लिए तो इतनी भी चल जाएगी, और नहीं तो एक राउंड और आप ले लीजिएगा और उसमें से आप डोरी वगैरह कान्हा जी की बेल्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अभी हमारी हो गई 24 स्टिच, छः यहाँ पीछे 12, तो इन सभी में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर फिर हम नीचे का घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ से हम इस चोली को इस सीधी साइड हमारी इस तरीके से ये फर्स्ट चेन जो है इसमें से हम स्लिप स्टिच लेके आपस में इसे जोड़ देंगे। देखिए ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, घेरा बनना शुरू होएगा हमारा। तो हमने क्या करना है, यहाँ तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन, और ये जो हमारी फर्स्ट चेन है जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच ली है यहीं पर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर आगे हम एक डबल क्रोशिया और इसी में से हम दूसरी बार डबल क्रोशिया, ऐसे हम हर चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया ले लेंगे, एक और ये दो, ठीक है। तो देखिए चोली बनाते हुए लास्ट में आ गए, इस चेन में से भी हम दो बार डबल क्रोशिया ले लेते हैं। और ये देखिए दो स्टिच थी, एक चेन थी और एक हमने लिया था, तो यहाँ पर जो तीसरी चेन है इसको हम स्टिच मान रहे हैं। अगर आपको नहीं मानना इसको तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे एक बार और इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया ले लिया, ठीक है। लेकिन हम इसे मान रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच ले लेंगे और यहाँ से धागे को कट कर देंगे, क्योंकि हमने अब अपने कलर लगाने हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे कलर हैं, तो मैं इसमें कम से कम 7-8 कलर लगाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं इसमें लाइट पिंक सा कलर है, थोड़ा सा गाजर टाइप का वो लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बची हुई ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ, स्पेशल नहीं लेके आई हूँ। तो अगर आपको डार्क शेड ज़्यादा है तो आप डार्क शेड से बनाइए, अगर आपके पास लाइट है तो लाइट, ये तो हमारा लाइट शेड है इसलिए हम इससे बना रहे हैं। तो आप देखिए हमने दो दो स्टिच ली है, ठीक है। तो किसी भी दो स्टिच के अंदर से आप, या फिर ये जो बीच में दो स्टिच, हर दो स्टिच के बाद आपको लेना है, चाहे तो आप एक ही में से जो दो लिए उसके बीच में से ले लीजिए, या फिर आप इसके साइड में से। तो हम यहाँ पर जो दो स्टिच है उनके बीच में से ले लेते हैं और यहाँ पर धागे को हम इस तरीके से ले आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे नॉट भी बांध लीजिए जिससे ये खुले नहीं, एक बार चेन बनाने के बाद में। ये देखिए ये हमने ऐसे, तो यहाँ पर हमने धागा लगा लिया। अब हम इसको थोड़ा लूज़ करेंगे, ऐसे ऊपर को खींचेंगे। यहाँ पर हमने पफी स्टिच बनानी है, इस तरीके से घुमाया और इसी चेन में से ऐसे खींच के ले आए, और हमने इसे क्रोशे में से निकालना नहीं, इसके अंदर ही रखना है। एक ऐसे कर लिया, ऐसे हमने 5 से या 4 बार, जैसे आपके पास ऊन बहुत ज़्यादा है तो आप 5 बार ले सकते हो, ऊन कम है तो आप 4 बार ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार मैं ले चुकी हूँ, इस तरीके से फिर घुमाया और फिर खींच लिया, दो फिर घुमाया, फिर खींच के लिया, तीन फिर घुमाया और ये 4 और ये 5। तो 5 में ऊन थोड़ा ज़्यादा लगता है, इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। फिर इस चेन में ऐसे स्लिप स्टिच ली, फिर एक चेन ली,
ठीक है, ऐसे पफ बन गया। फिर हमने थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचना है, फिर से 5 बार ये यहाँ से अलग से आपको दिख जाएगा, देखिए है ना, यहाँ से हमने फिर से 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्टिच ली और फिर सबको इकट्ठा निकाल दिया और एक चेन और ये, ठीक है। इस तरीके से हमने पफ बनाते हुए जाना है, फिर इस तरीके से खींचा, फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर आपको जितना ऐसे लिया, फिर इस तरीके से स्लिप स्टिच और एक चेन, यहाँ पर आप टाइट कर देंगे तो यहाँ थोड़ा सा कम लूज आएगा, ठीक है। ऐसे है, बस एक चेन ले लेंगे और फिर इस तरीके से धागा खींचेंगे। इस तरीके से हम 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार ऐसे लिया और सबको एक साथ निकाल के फिर इस तरीके से खींच के लाए और ये एक चेन। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको जितना लंबा घेरा बनाना है, आप इस तरीके से देख लीजिए कि आपको कितना बड़ा घेरा बनाना है, उसी तरीके से ये आपको पफ स्टिच बनाते जाना है, ठीक है। तो ये एक बार और बना लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 फिर इनको सबको एक साथ निकाल दिया, फिर स्लिप स्टिच और एक चेन। तो 1, 2, 3, 4, 5 बन चुकी है हमारी, ये देखिए। तो आपका घेरा इतना बनेगा इस ड्रेस का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो घेरा ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, तो देखिए इतना आपको, क्योंकि हमारे 3 से 4 नंबर काना जिक लिए हैं, ठीक है। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ही बना रहे हैं, इसके बाद हम धागे को यहाँ से कट कर देंगे, ये हमने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। बाद में इनको ऐसे हमने बना लिया, अब हम दूसरे कलर का धागा ले लेंगे। तो देखिए हमने ऐसे गाजरी पिंक था, तो अब हम ये डार्क ब्लू कलर ले रहे हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्टिच के बीच में लिया, ऐसे ये 2 स्टिच है इसके बीच में लेंगे, यानी कि एक चेन छोड़कर दूसरी चेन के यहाँ पर, लेकिन हम नीचे से ले रहे हैं, चेन में से नहीं ले रहे। फिर से यहाँ पर धागा लगा देंगे, तो जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से लगाते जाइए। यहाँ पर एक चेन ले ली और इस धागे को हम इस तरीके से या तो ऐसे कर लीजिए या फिर यहाँ नोट बांध लीजिए, थोड़ा लूज़ किया और सेम पफ स्टिच बनानी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पांचों को एक साथ बाहर क्रोशे से निकाल दिया और फिर ये स्लिप स्टिच और एक चेन, ठीक है। तो ये जो हम स्लिप स्टिच लेते हैं, ये धागा जो है यहाँ से हमने स्टिच लेनी है, ठीक है। फिर थोड़ा सा लूज किया, फिर से 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5 फिर सबको निकाल दिया और ये, ठीक है। फिर एक चेन ऐसे हमने, यानी कि ये देखिए हर 2 जो स्टिच है हमारी उसके अंदर से इस तरीके से ये हमने 5-5 के सारे बना के घेरे को तैयार कर लेना है सबसे पहले। तो ये देखिए हमने अलग अलग कलर जितने भी थे हमारे पास में, ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। और ये देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था बनाना, आप देख सकते हो मैंने जो भी 2 स्टिच थी उसके बीच में बनाया है और 5-5 हमने ये, इसे मटर स्टिच भी कह सकते हो आप, इसे पफ स्टिच भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 कलर हमने लगाए हैं और फिर वही कलर फिर से रिपीट किए हैं और फिर से 3 बार हमने इसको रिपीट किया है। तो ये हर कलर हमारा 3-3 बार आ रहा है, अभी इन्हें आपस में जोड़ना है, तो वाइट कलर से हम इसे जोड़ेंगे। तो आप इस तरीके से नोट बांध लीजिए या डायरेक्ट आप बांध भी सकते हो, ठीक है। ऐसे हमने बांध लिया, किसी भी एक स्टिच को यहाँ से, जैसे हमने ये उठा लिया यहाँ से, देखिए ठीक यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंटर में हमने एक चेन छोड़ी थी, यहाँ पर हम अपना इस तरीके से धागा लगा लेंगे। ये देखिए और एक चेन बनाई हमने, 2, 3, 4 और ये 5।
पांच स्टिच हमने चेन पांच चेन बनाई और ये जो हमारा ज्वाइंट है यहाँ पर इसके साथ इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है, इसके साथ जोड़ देना है। देखिए फिर पांच स्टिच एक दो तीन चार और पांच, फिर अगले ज्वाइंट में इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देना है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसे हमने इसको ऊपर तक ले जाना है, दो तीन चार पाँच और ये एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ से जोड़ दिया। तो देखिए इस तरीके से नज़र आ रहा है कुछ। अब फिर से हम पांच स्टिच ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अगर आपका हाथ ज़्यादा लूज है तो आप इसे चार भी ले सकते हो, और ज़्यादा टाइट है तो छः भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर आ गए, जो यहाँ पर हमें जॉइंट है ये देखिए, ठीक है ना। और ये जो धागा है इसको यहीं पर ही इस तरीके से दबा देंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पर एक दो तीन चार चेन ली और फिर से यहीं पर जहाँ पर हमने पहले डाला है सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फिर से रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लावर सा बनाएंगे, एक दो तीन चार और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर सा बन गया है। और फिर इसी तरीके से रिपीट करते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे की तरफ, एक दो तीन चार पाँच और ये फिर से यहाँ पर ज्वाइंट सिंगल क्रोशिया, ठीक है। तो ऐसे बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, जैसे आपको ये लूज दिखाई दे रहा है, हमने पांच चेन लिया, हो सकता है आपका पफ स्टिच बड़ा हो छोटा हो तो उसके हिसाब से भी आप चेन ले सकते हो, चार भी ले सकते हो छः भी ले सकते हो। तो आपका कितना बड़ा पफ स्टिच है उसके ऊपर ये देखिए। अब मेरा थोड़ा सा लूज़ है तो मैं इसे चार से भी बना सकती थी, लेकिन मैंने अभी पाँच लिया है। तो देखिए हम फिर से पाँच चेन ले रहे हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच। अब यहाँ पर सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में एक चेन है हमारी, इसमें हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक दो और इस तरीके से घुमाकर उल्टी साइड फिर से इधर, मतलब कि ये हमारा जैसे सीधी साइड है ऐसे घुमाएंगे तो उल्टी साइड आ जाएगा। तो ये जो हमने चेन ली है पाँच, ये इसके अंदर से ये देखिए दो चेन लेने के बाद इसके अंदर से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया लेंगे एक बार और फिर दो चेन लेंगे, एक दो, फिर इस तरीके से घुमा देंगे जैसे पहले था बनाते हुए आ रहे थे। और यहाँ से पप स्टिच है इनका सेंटर, जैसे हमने ये बनाया था सेम इसी तरीके से हमने बनाना है। ये देखिए यहाँ से ऐसे लिया सिंगल क्रोशिया ले लिया, ठीक है, फिर एक दो चेन ली, फिर इस तरीके से घूम गए और फिर इधर जहाँ हमने बना चुके हैं इसके अंदर से सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर दो चेन, एक दो, फिर अपनी तरफ घुमा लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से जब बनाया था तो पांच पांच चेन ली थी, तो अब हम यहाँ दो लेके फिर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारी पांच स्टिच हो जाती है क्योंकि बीच में हम सिंगल क्रोशिया भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ आ गए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। तो यहाँ पर दो चेन के बाद में हमें घूम जाना है और इस तरीके से ऊपर तक हम जब तक नहीं बना लेते इसी तरीके से दो चेन के बाद सिंगल क्रोशिया इधर जोड़ देंगे, फिर दो चेन लेकर इधर हम ले लेंगे, ठीक है ना, फिर दो चेन लेकर एक एक दो और इधर जोड़ देंगे। तो ऐसे हमारी हर पत्ती जुड़ती चली जाएगी, एक दो, फिर इधर आ गए ऊपर की तरफ आ गए, देखिए हम जोड़ते हुए सिंगल क्रोशिया लिए, फिर एक दो,
ऐसे घूमें, फिर ये लास्ट में आ गए और फिर एक दो और यहाँ पर टॉप पे हमने ये फ्लावर बनाना है इस तरीके से। धागे को जो हमारा कटा हुआ है यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेंगे और चार चेन के बाद में तीन बार हम इस तरीके से फ्लावर बना देंगे ऊपर, एक दो तीन और चार, और यहाँ से सिंगल क्रोशिया। तो इसे तीन बार रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार, फिर सिंगल क्रोशिया, दो हो गए, फिर चार चेन और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो तीन बार हमने ये रिपीट किया तो एक फ्लावर बन गया, ठीक है ना। फिर सेम यहीं पे जैसे पहले किया था, एक दो तीन चार पाँच और ये यहाँ जोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम इसको इसी तरीके से जोड़ते हुए जैसे हमने इसको पहले बनाया था यहाँ तक बना लेंगे, फिर यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे जोड़ते हुए। तो हर पत्ती को ऐसे ही जोड़ते जोड़ते हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने ऐसे जोड़ते जोड़ते सारी जितनी भी कलियाँ थी हम जोड़ते जोड़ते यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तीन का जो फूल बनाया चेन का वो बना लिया है, लेकिन उसके बाद हम फिर यहाँ आते थे फिर इसको जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हमने पहले से ही चेन स्टिच बना रखी है तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। इसको जोड़ते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे हम नीचे से जोड़ के ऊपर की तरफ आ रहे थे, यहाँ पर नीचे से जोड़ते हुए यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दो चेन बना ली है और इसको इधर फर्स्ट उसमें यहाँ पर ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से उल्टी तरफ आ जाएंगे हम, फिर यहाँ पर दो चेन इस तरीके से लेंगे। धागा हमारा थोड़ा सा रेशे वाला आ रहा है, यहाँ पर दो चेन लेंगे, एक और ये दो, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे इस तरीके से, उल्टी तरफ से हम इसको जोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है। फिर दो चेन लेंगे, एक दो, फिर ऐसे कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हाथ उल्टा चलेगा, एक दो चेन ली, फिर इधर आ गए, फिर यहाँ पर हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर एक दो चेन ली, फिर ऐसे मुड़ गए क्योंकि हम नीचे की तरफ जाना है। लेने का तरीका वैसे ही है, देखिए यहाँ से लिया दो दो चेन के बाद हम इस तरीके से, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिए, फिर एक दो, फिर इस तरीके से मुड़ गए, ठीक है ना। ये देखिए आ गए ना इधर, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिया, फिर एक दो, फिर इस तरीके से मुड़ गए क्योंकि हमें एक बार इधर लेना है एक बार इधर लेना है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया ले लिया, सिर्फ फिर ऐसे देखिए यहाँ पर अलग से दो रह गई हमारी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया ले लिया और एक दो, फिर ऐसे घूम गए और ये देखिए लास्ट में एक रह गई हमारा, तो यहाँ पर भी इस तरीके से सिंगल क्रोशिया फिर ले लिया और एक दो चेन और ये हमारा नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको देखिए सिंगल क्रोशिया लेके एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे, तो ये हमारा सारा जुड़ गया, देखिए। अगर आपको ऐसी दिक्कत होती है इधर से जोड़ने तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप फूल बनाकर इधर से आ जाइए, इधर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखिए हमारा घेरा कितना हैवी घेरा बनके तैयार हो गया है। अगर आप इस घेरे को जो भी धागे हम इस तरीके से कट कर देंगे, अगर आपको इससे भी हल्का घेरा चाहिए तो आप ये जो हमने बनाई है पत्तियाँ
ये थोड़ी सी आप दूर दूर बना दीजिएगा, तो उससे आपका थोड़ा सा, इसे हमने यहाँ पर दो दो जो बनाई थी स्टिच, उसके तीन स्टिच के बाद आप बना दीजिए। ऐसे आप इसको कम कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा लगता हैवी घेरा। और ये जो हमारी, आप कोई भी रंग ले लीजिए जो भी इसमें है, देखिए ये कलर ले लिया हमने, इससे हम यहाँ पर सिंगल क्रोशे से आउटलाइन कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से हम सेंटर से अपना धागा लगा लेंगे, और इस तरीके से सिंगल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशिया भी आप ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये लंबी डबल क्रोशे की स्टिच है, तो आप डबल क्रोशे आप इस तरीके से ले सकते हो। तो दो दो बार आप ले लीजिएगा, एक और ये दो, ठीक है। फिर आगे लंबी स्टिच होती है ना, इसमें से आपको लेना है एक और ये दो। इस तरीके से आपको चोली के फ्रंट में तो हाफ डबल क्रोशिया लेना है, और बाकी बाजू में और ऊपर आप सिंगल क्रोशिया ले सकते हो। तो ये दो दो बार हमने हाफ डबल क्रोशिया ले लिया। क्योंकि हमारी डबल क्रोशिए की लाइन है, तो ये दो दो बार हमने इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ पर नेक पे आ गए, तो यहाँ पर एक एक आप सिंगल क्रोशिया इस तरीके से ले लेंगे हर चेन में से, और ये धागे को दबाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से, तो ये हमेशा हम बताते हैं आपको, चोली वगैरह बनाते हैं यहाँ पर भी आप सिंगल क्रोशिया कर लीजिए। तो ये देखिए हम इस तरीके से हम गए और यहाँ पर आ गए वापस, और यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे रख के, ठीक है ना, यहाँ से, ये नहीं कि आप किनारे पे कर दीजिए, थोड़ा सा आगे यहाँ पर आके ये हम यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेंगे और धागे को कट कर देंगे, और बाजू में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी सी कलरफुल ड्रेस बनके हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हो जितनी भी हमारी बची छोटी थोड़ी थोड़ी ऊन थी, इस तरीके से हमने लगा दी है। और इसको आपको घेरे को अगर और बड़ा करना है, तो ये जो मैंने 5 स्टिच डाली थी, ये आप 6 डाल सकते हो, 7 है तो आपका उसी हिसाब से लेंथ जो बढ़ जाएगी। लेकिन ये 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए हमने बनाई है, तो बहुत ज़्यादा लेंथ अच्छी नहीं लगती है। तो देखिए कितनी सुंदर सी सिंपल सी है, आपने देखा कितनी आसान सी है, और ये हमने ऊपर इस तरीके से आउटलाइन कर दी है, जिससे कि आप किसी भी रंग की कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमारी सारी जो है कलर हैं। तो इस देखिए इसमें हमारा ये जो 2 शेड है, थोड़ा सा हल्का और एक डार्क है, इसलिए हमने इसमें पिंक कलर का ये कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और राधे राधे लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।